नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे तो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि मोटर मैकेनिक व्हीकल का इंस्ट्रक्टर का पेपर है हरियाणा का तो हरियाणा क्राफ्ट मैन इंस्ट्रक्टर का पेपर है मोटर मैकेनिक व्हीकल का तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सब आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखे थे तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी मोटर मकैनिक से संबंधित कॉम्पिटिशन एग्जाम और आई आई के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं जो कि जैसे बी आर ओ विकल मकैनिक आई टी बी पी एम एम बी डी आर डी ओ इसरो टेक्नीशियन से रिलेटेड और रेलवे एल पी टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो पहला प्रश्न है विच टाइप ऑफ गियर विच टाइप ऑफ गियर इज सोन इन द फिगर तो ये चित्र में जो दिखाई गई है आकृति ये कौन सा टाइप का गियर है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन हैं तो ऑप्शन है बेवल गियर हेरिंग बोन गियर हेलिकल गियर या स्पर गियर तो राइट right आंसर है इसका स्पर गियर ये जो चित्र में दिखा रखा है ये है स्पर गियर नेक्स्ट क्वेश्चन सम्पीडिय तनाव में सम्पीड़ी खिंचाव से अनुपात को क्या कहते हैं द रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इज नॉन एज तो क्या कहते हैं इसको यंग मॉड्यूल्स कहते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच स्टील और आयरन इज हीटेड टू अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट तो उष्मा उपचार की कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें इस्पात और लोहे को उस तापमान तक गर्म किया जाता है जो गलनांक से कम होता है तो गलनांक से कम होता है तो क्या होता है कार्बो कार्बोराइजेशन तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जैसे कि आता है कि क्रैक्स की हीट ट्रीटमेंट विधि क्या होती है तो यही इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में नेक्स्ट है व्हाट हैपन इन द पावर स्ट्रोक ऑफ आ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन तो जो फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर स्ट्रोक में क्या चीज होती है तो क्या होती है हॉट एक्सपेंडिंग गैसेज फोर्स द पिस्टन हेड अवे फ्रॉम द सिलेंडर हेड यानी कि जो गर्म विस्तारशील गैसें होती हैं पिस्टन के हेड में तो सिलेंडर के हेड से दूर करने के लिए बल लगाती है यानी कि जब पावर स्ट्रोक होता है तो जो पिस्टन के सर के ऊपर जो गैस फैल रही है तो वो धक्का मारती है किसको पिस्टन को जिससे कि फोर्स लग जनरेट होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल के सामान्य गति के लिए कोऑफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मान क्या होता है तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होती है को ऑटोमोबाइल गाड़ियों की तो होता है जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू अबाउट द डीजल इंजन तो डीजल इंजन के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो so, क्या होता है इसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है तो so, क्या होता है डीजल इंजन में क्या फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क इग्निशन इंजनों में मुख्य रूप से चार प्रकार के दहन कक्ष होते हैं इनमें से किसे ओवरहेड वाल्व भी कहा जाता है तो क्या जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है ओवर हेड वाल्व मकैनिज्म किस में किसको कहा जाता है तो जिसमें आई हेड दहन कक्ष अच्छा होता है यानी कि आई हेड कम्बस्टन चैम्बर होगा उसको हम क्या कहेंगे ओवर हेड वॉल्व मकैनिज्म कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द कम्बस्टन प्रोसेस वट हैपन वेन द लोड इज लो ऑन एस आई इंजन एंड थ्रोटल इज हाई तो क्या होगा कम्बस्टन चैम के दौरान तो की प्रक्रिया के समय जब एसआई SI इंजन पर निम्न भार व उच्च त्वरित होता है तब क्या होता है तो क्या होगा हवा ईंधन का अनुपात गैस अवशेषों की वजह से तनुकृत हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि इंग्लिश में द एयर फ्यूल रेशियो इज डायल्यूटेड बिकॉज ऑफ गैस रेसिड्यूस तो क्या एयर फ्यूल जो रेशियो होता है वो क्या डायल्यूट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फोलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सुपर चार्जर इंजन तो सुपर चार्जर इंजन के लिए सही कथन क्या है निम्नलिखित में से तो क्या होगा इज इट इज़ सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे स्थानों के लिए उपयुक्त होता है तो सुपर चार्जर क्या होता है जैसे ऊँचे स्थानों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस जगह पर क्या सुपर चार्जर ज़्यादा एफिशेंट होता है जिसके लिए मेन सुपर चार्जर का यूज होता ही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर की डेंसिटी के साथ सिलेंडर में एंटर करवा सके जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कम्बसन चैम्बर में हो ताकि फ्यूल अच्छे तरीके से जल सके तो मेन काम यही होता है सुपर चार्जर का इंजन में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल मोटर टू स्टार्ट तो कौन से इंजन में एक्सटर्नल मोटर की जरूरत पड़ती है इंजन को स्टार्ट करने के लिए तो टर्बोजेट इंजन को एक्सटर्नल मोटर की जरूरत पड़ती है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अगला प्रश्न द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स बाई एस आई इंजन इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरमेंट हाउ एवर विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज़ नॉट कॉज बाय द एस आई इंजन तो एस आई इंजन के द्वारा कौन सा पॉल्यूशन नहीं होता है तो so, कौन सा नहीं होता सॉइल पॉल्यूसन नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा तो so, ये आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं एस आई इंजन द्वारा छोड़े गए हानिकारक रासायन मानवीय जीवन व वा वातावरण पर प्रभाव डालते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल प्रभाव ऐसा SI इंजनों के कारण से नहीं होता है तो कौन सा नहीं होगा मृदा प्रदूषण नहीं होता यानी कि सॉइल पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन भी होता है ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प करती है और जल प्रदूषण भी होता है किससे ऐसा SI ही इंजनों से क्या नहीं होता सॉइल पॉल्यूशन नहीं होता तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेपर ऑफ अ फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन विद एयर टू फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर स्पेशली फॉर यूज इन एन इंटरनल कम्बशन इंजन इज कॉल्ड तो क्या कहेंगे विशेष रूप से जो अंतरदहन इंजन होते हैं जो इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं तो उसमें जो उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक मिश्रण को बनाने के लिए ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन की भाप को हवा से मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इस चीज को क्या कहा जाता है कार्बोरेशन कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ स्टेटर तो स्तराक क्या होता है तो स्टेटर क्या होता है इट इज अ सेट ऑफ कॉल फिक्स टू द सेल ऑफ द अल्टरनेटर तो क्या अल्टरनेटर में फिक्स रहती है जो कॉइल उसको हम स्टेटर कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यह कॉयल का समूह होता है जो कि अल्टरनेटर को खोल से जुड़ा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द ऑ ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम दैट अलाउ द व व्हील्स ऑफ द व्हीकल टू मेनटेन कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस कॉल्ड तो क्या होगा एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार वह ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणाली क्या है जो वाहन के पहियों को जमीन की सतह से संपर्क बनाए रखने को नियत कर करती है तो कौन सा होगा ए बी एस होगा एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट कैन यू मेजर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर तो हाइड्रोमीटर से आप क्या नाप सकते हैं तो क्या नाप सकते हैं सापेक्षिक आदरता नाप सकते हैं ऑप्शन नंबर ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आदरता को हम हाइड्रोमीटर के द्वारा नाप सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कन्वेंशनल चेचिस फ्रेम तो जो कन्वेंशनल चेचिस फ्रेम होते हैं यानी कि पारंपरिक चेजिस फ्रेम होते हैं तो उसके बारे में कौन सा पॉइंट सही है तो द कन्वेंशनल फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज नॉन लोड कैरिंग फ्रेम तो जो पारंपरिक फ्रेम होता है उसको हम नॉन लोड कैरिंग फ्रेम भी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर होगा अगला प्रश्न है द बॉडी ऑफ विच व्हीकल हैज टू बॉक्सेस अ सेपरेट इंजन एरिया एंड पैसेंजर एरिया तो कौन से इस किस टाइप की बॉडी होती है कार की जिसमें कि दो बॉक्सेस होते हैं सेपरेट इंजन एरिया होता है और पैसेंजर एरिया भी होता है तो कौन से टाइप में होता है तो हैजबैग टाइप के बॉडी में सेपरेट एरिया होता है सेपरेट इंजन एरिया होता है और सेपरेट पैसेंजर एरिया होता है हैजबैग टाइप गाड़ियों में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डॉक क्लच तो डॉक क्लच को किस और अन्य नाम से जाना जाता है या डॉक क्लच का दूसरा नाम क्या है तो क्या है पॉजिटिव क्लच के नाम से डॉक क्लच को जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा धनात्मक क्लच पॉजिटिव क्लच डॉक क्लच का दूसरा नाम होता है अगला प्रश्न है सबरल मोड्स ऑफ ऑपरेटिंगल अवेल, अवेलेबल ड्यूरिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन द ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी लॉकड इन विच ऑफ दीज मोड्स तो स्वचलित संचरण के दौरान वाहन के संचालन कई प्रणालियां उपलब्ध हैं किस प्रणाली के संचरण तंत्र को लॉक किया जा सकता है तो किसको करा जा सकता है पार्क को तो जब हम पार्क करते हैं उस टाइम को हम लॉक कर सकते हैं ट्रांसमिशन को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइव साफ्टॉक्स इन द क्रॉस एंड रोलर यूनिवर्सल ज्वाइंट तो क्रॉस एंड रोलर यूनिवर्सल ज्वाइंट में ड्राइव साउट का योग का क्या पर्पज होता है क्या उद्देश्य होता है तो क्या होता है बेयरिंग कैप को पकड़े रखने का काम होता है यानी कि होल्ड द बेयरिंग कैप्स अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियर एक्सल तो रियर एक्सल का कौन सा एक उदाहरण है निम्नलिखित लिखित में से तो कौन सा है फुल फुल फ्लोटिंग टाइप का रियर एक्सल होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगल थीटा फॉर डेविस स्टेयरिंग एंगल तो जो डेविस स्टेयरिंग एंगल है उसमें थीटा कोण थीटा कोण के बारे में कौन सा कथन सत्य है यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है तो क्या होगा जो थीटा होता है वो कितना होता है इट शुड लाई बिटवीन इलेवन पॉइंट थ्री डिग्री टू फोर्टीन पॉइंट वन डिग्री यानी कि जो थीटा का मान होता है वो ग्यारह दशमलव तीन डिग्री से चौदह दशमलव एक डिग्री के बीच में होना चाहिए किसमें डेविस स्टेयरिंग गेयर में अगला प्रश्न द डिफरेंस इन एंगल्स बिटवीन द टू फ्रंट व्हील एंड द कार फ्रेम ड्यूरिंग टर्न इज कॉल्ड तो घुमाव के समय दोनों अगले पहियों वह कार के फ्रेम के बीच बनने वाले कोण के फर्क को हम क्या कहते हैं तो जब हम टर्न लेते हैं किसी मोड़ पर तो वहां पे क्या होता है जब आगे का जो टायर होता है और कार का जो फ्रेम होता है उसमें जो एंगल क्रिएट होता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं उसे टोइन कहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा अगला प्रश्न तो ये लास्ट क्वेश्चन था आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अब ऐसे ही लगातार कुछ दिन तक हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करते रहेंगे जो भी मोटर मैकेनिक से संबंधित एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं कोई से भी उसके होंगे इंस्ट्रक्टर के होंगे या फिर आईटीआई आईटीआई के एग्ज़ाम होंगे या फिर आईटीबीपी मोटर मैकेनिक के होंगे या बी के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे तो सब डिस्कस करेंगे इसमें डी आर इसरो सभी जो भी पॉसिबल होंगे सारे पेपर आपके लिए लेके आऊँगा तो कंटिन्यू आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें अब ये आज से हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है तो कुछ दिन तक लगातार इसको कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपके बी के पेपर कंप्लीट ना हो जाते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद